हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको लौकी की मिठाई बनाना सिखाऊंगी। ये बनाना बहुत ही आसान है। ये खाने में बहुत लाजवाब लगती है, बहुत टेस्टी है और ये देखने में भी बहुत यमी लगती है। तो आप इस दिवाली ज़रूर ट्राई करें इस मिठाई को। स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। यहाँ मैं मीडियम साइज़ की एक लौकी ले रही हूँ, इसे अच्छे से पील कर ली हूँ और वॉश कर ली हूँ। यहाँ मैं 1.5 कटोरी चीनी ले रही हूँ और यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, पिस्ता है, थोड़े इलायची हैं, थोड़े बादाम हैं। ये गार्निश करने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी। यहाँ मैं फूड कलर ले रही हूँ, थोड़ा ग्रीन फूड कलर, ये ऑप्शनल है। यहाँ मैं मावा ले रही हूँ, घर का मावा है, इसके लिंक नीचे शेयर की हुई है, आप ज़रूर देखें। सारे इन्ग्रीडियंट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम लौकी को इक्वल साइज़ में काट लेंगे। ये देखिए, मैंने एक साइज़ का काट लिया है। अब इसके बीज को हमें निकालना है। चाकू की सहायता से मैं इसके बीज को निकाल दूंगी। निकालना बहुत आसान है, ये देखिए। इसी तरह मैं सारे बीज से खाली कर दूंगी। ये हॉलो बन जाएगा बीज से, ठीक है। अब मैं एक बर्तन लूंगी, उसमें पानी डालूंगी। मैंने यहाँ पे एक गिलास पानी डाला है। अब इसमें सारे ये रिंग्स को, लौकी के रिंग्स को डाल के और इसे ढक के मैं मीडियम फ्लेम पे एटलीस्ट 15 मिनट्स तक पकाऊंगी। यहाँ मैं एक बर्तन में चीनी लूँगी। चीनी में मैंने पानी डाला है और उसमें ये देखिए, ये बॉयल हो रही है अच्छे से और चीनी भी अच्छे से। बस चीनी को केवल बॉयल करना है। इसमें मैं फूड कलर डाल दी। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। मैंने 1 कटोरी चीनी लिया था, 1/2 कटोरी पानी लिया है। अब बस गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी। ये देखिए, बहुत सुंदर ग्रीन कलर। हमें कोई तार नहीं बनाना है, कोई झंझट नहीं है इसे बनाने में। नॉर्मल ये चीनी पानी है और ये भी बॉयल हो चुकी है। ये देखिए, बिल्कुल पक चुकी है ये। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सारे लौकी के रिंग्स को मैं एक एक करके बर्तन में निकाल लूँगी। उसके बाद इसे मैं चाशनी वाले पानी में डाल दूँगी और गैस का फ्लेम ऑन कर दूँगी और इसमें इसे एक उबाल आने दूंगी। ये देखिए, एक उबाल आ गया। अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे ढक के रख दूंगी। मैं 15 मिनट्स तक मैं इसे ढक के रख दूंगी। उसके बाद इसके अंदर मैं फिलिंग रखूंगी मावा का और ऊपर से ड्राई फ्रूट्स से इसे गार्निश की हूँ। ये आप ज़रूर ट्राई करें। ये मावा भी घर पर बनी हुई है, इसलिए मिठाई का स्वाद कुछ और ही आया है। और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।